शू बिल्स को वेल हेडेड स्टॉक नाम से भी जानी जाती है। ये बड़ी सारस प्रजाति मध्य अफ्रीका महादेश के दलदलीय इलाकों में बहुत मात्रा में पाई जाती है। इस प्रजाति की लंबाई 110 से लेकर 140 सेमी तक होती है और इनका वजन 4 से 7 केजी तक होती है। मादाएं नरों से आकार में थोड़ी छोटी होती है। शू बिल्स को देख के आपको तो पता चल ही गया होगा कि इनकी विशेषता है इनका बड़ा और मजबूत चोंच। इनका चोंच बहुत मजबूत और शू यानी जूते के शेप में होती है, जिसके वजह से इनका नामकरण ऐसा हुआ है। इनका चोंच बोन्स यानी हड्डी जितना मजबूत होता है, जिससे वो आसानी से शिकार कर पाते हैं। ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सारस प्रजातियों में से है। इनके बॉडी का कलर ब्लूइश ग्रे होता है। यंग शू बिल्स लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। ये प्रजाति नॉर्मली कोई आवाज नहीं निकालते हैं और शिकार के वक्त घंटों तक एक ही जगह बिना हिले खड़े रह सकते हैं। शू बिल्स मेनली पिसिवोरस प्रजातियों से बिलोंग करती है, अर्थात इनका मुख्य भोजन है विभिन्न प्रकार के मछलियां। लंग फिश इनका सबसे मनपसंद शिकार है। शू बिल्स को आमतौर पर अकेले रहना ही पसंद है, लेकिन मेटिंग सीजन में नर और मादाएं साथ रहती है। मादाएं 1 से लेकर 3 तक अंडे देती है। नर और मादा दोनों एक साथ अंडे सेते हैं और अंडे सेने का प्रोसेस 30 दिनों तक चलती है। ये कितनी भी अजीब या खतरनाक दिखती है, लेकिन ये सारस बहुत शांति प्रिय प्रजातियों में से है। ये आक्रामक बिल्कुल नहीं है और बर्ड्स वॉचर के लिए ये वन ऑफ एडोरेबल बर्ड्स में से है। इनके ऊपर अभी भी रिसर्च चल रही है। उम्मीद है फ्यूचर में इनके बारे में और भी अनोखे तथ्य हम लोगों के सामने आएंगे। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट करके, और आगे आप कौन से जानवर के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगली वीडियो जल्दी आने वाली है। तब तक टेक केयर।